रेनॉल्ड अशर जानते कौन है? हाँ हाँ जानते हैं, आगे बता क्या रेनॉल्ड अशर का? आगे तो पता नहीं लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है। क्या है? हम लोग अभी अभी मार्केट के अंदर रेनॉल्ड अशर स्पाई हुई है। यस, अपकमिंग रेनॉल्ड अशर। और ऐसी वैसी नहीं, बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन लाया आपके लिए। पहले तो मेरे सबर नहीं होता, पहले आप ये इमेज देखिए, देख रहे हो क्या लग रहा है और कैसा लग रहा है? कमेंट के अंदर तुरंत अपनी फीलिंग लिखिए। ये पीछे से आप रेनॉल्ड अशर को देख सकती हो और ये इसका 5 सीटर वाला वर्जन है। 5 सीटर मतलब क्या? गाड़ी 10 सीटर में आने वाली है क्या? अरे नहीं, 10 सीटर नहीं, रेनॉल्ड अशर 2 ऑप्शन में आने वाली है, जस्ट लाइक हुंडई क्रेटा, हुंडई क्रेटा एंड हुंडई अल्काज़ार। यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम होने वाला है और काफी तगड़ा सिस्टम होने वाला है। पर्सनली आई लव दिस कार, व्हाट अबाउट यू? और भाई ये गाड़ी तो बहुत प्यारी है, लेकिन इससे प्यारी एक और चीज है जो कि सब्सक्राइब वाला बटन। भाई तू आजकल क्या दबाने के लिए कहता रहता है? मतलब सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको काफी तगड़ी वीडियोस मिलेंगी। प्लीज क्लिक इट। रेनॉल्ड अशर 2 ऑप्शन में आने वाली है, बड़ी वाली और छोटी वाली। और जो बड़ी वाली डस्टर होगी उसका साइज डिसेंट रहेगा, मतलब स्कॉर्पियो की तरह एकदम बड़ी सी नहीं होगी और कुशाक की तरह एकदम छोटी नहीं होगी। इसका साइज अराउंड हुंडई अल्काज़ार के आसपास होने वाला है, तो सही है काफी। और अगर गाड़ी की ड्राइवल की बात करें तो पहली गाड़ी 4 मीटर सेगमेंट में आती थी, यानी कि ब्रिज़ा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट इन सब के, लेकिन अब इसका लेवल थोड़ा ऊंचा होने वाला है। इतना था इतना हो जाएगा अब। ये गाड़ी किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा, वॉल्सवैगन टिगुआन, एमजी एस्टर इन सब के सेगमेंट में आने वाली है और काफी तगड़ी आने वाली है। और ये साइड की मैं आप देख सकती हूँ, काफी सही लग रही है यहाँ पर भी गाड़ी। और अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे हल्का सा, इस गाड़ी का एक रेंडर है जो कि ये वाला है, यहाँ पर बोनट ऐसे सीधा सा है और आगे कर्व है, और इस वाले का डिजाइन भी ऐसे ही है लगभग आगे। जो ये है वो ये है और जो वो है वो ये है, पता नहीं, लेकिन इस गाड़ी का डिजाइन काफी हद तक इसके रेंडर की तरह होने वाला है। और भाई ये एक रेंडर है और इसके पीछे आप देखोगे जो इसकी टेल लाइट है वो ऐसी है और एक ऐसी है इन शेप की है। और अगर स्पीड वाली इमेज देखें उनकी टेल लाइट भी ऐसी है और एक ऐसी है, अगर दोनों मिलाते हैं दिल तो नहीं बनता, मूंगफली जरूर बन जाती है। तो फिर अगर आपको मूंगफली पसंद है आराम से ले सकते हो। वैसे ही पसंद हो या फिर ना पसंद हो, लाइक और सब्सक्राइब का बटन आपको काफी पसंद आएगा, क्लिक इट। अबे भाई ये तो चलो स्पीड है, बताओ ये गाड़ी लॉन्च कब तक होगी और ये इमेज कहाँ की है और इसका प्राइस वगैरह क्या होगा, ये सब बताना। तो एक साथ काफी सारे सवाल पूछ लिए आपने। पहला सवाल, ये इमेज कहाँ की है? इंडिया की नहीं है, ग्लोबल मार्केट की है, बट रेनॉल्ट इंडिया के अंदर भी काफी एक्टिव है। जो वहां लॉन्च करेगा यहाँ भी लॉन्च करेगा, और रेनॉल्ट ब्रांड थोड़ा बहुत इंडिया को समझता है, तो फिर ये चीज तो क्लियर है। अगर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी गाड़ी इंडिया के अंदर भी पक्का है, आई लव माय प्यार इंडिया। उसके बाद अगला सवाल, गाड़ी लॉन्च कब तक होगी? 2024 तक आप पैसे इकट्ठे कर लीजिए, बिकॉज आने वाली है, समझ गए? यस, 24 करोड़ मिड में या फिर एंड तक, देखते हैं कब तक लॉन्च होती है, लेकिन 24 में लॉन्च होगी। उसके बाद अगला सवाल, इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या कुछ होगी? जो पहले ऑल्ड डस्टर थी उसका जो ऑल व्हील ड्राइव मॉडल था वो अराउंड 15-15.5 लाख तक आता था, और ये वाला है ये भी AWD में आएगा और 18 फीचर भी आएगा गाड़ी के अंदर। इन सारी चीजों को मिलाकर अराउंड इसकी टॉप मॉडल प्राइस 18-19 लाख तक हो सकती है या फिर 20 भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। अराउंड 12 से स्टार्ट होगी और 19-20 तक जाएगी, और जो 7 सीटर वाला मॉडल रहेगा वो अराउंड 13 लाख तक स्टार्ट होगी और 21-22 लाख तक जाएगी। सही है और थोड़ा महंगा है, बट सही है ब्रो, डस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखना ये है कि इंडियंस को ये गाड़ी कैसी लगती है, क्या अब ये गाड़ी अपना झंडा गाड़ पाएगी इंडिया के अंदर इतने टफ मार्केट के अंदर, देखते हैं क्या होता है। वेल, लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं, बाय।